जौनपुर में बरसठी थाने की पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक अभियुक्त को 9 मई को ही सूरत से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पैसे और लूट का माल बरामद किया गया, जबकि दूसरे साथी को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें बीते 22 मार्च को बरसठी थाना के गहली कठार में लूट की घटना को अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था और इस घटना का खुलासा करना पुलिस के लिए काफी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन बरसठी थाने की पुलिस ने सारी चुनौतियों को पार करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को धर दबोचा है। दिनांक 22 मार्च 2022 को थाना बरसठी के अंतर्गत ग्राम गहली कठार में एक सराफा के व्यापारी से स्वर्णकार से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसके जेवरात लूट लिए गए थे। ये घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि अज्ञात अभियुक्तों ने इसमें लूटपाट की थी और वो मौके से भाग गए थे और पीड़ित स्वर्णकार को चोटें भी आई थी। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के निर्देशन में थाना बरसठी की थाना प्रभारी, उनकी टीम और सर्विलांस प्रभारी, उनकी टीम और स्वाट, ये सब लोग मिल करके बहुत ही इसको पेशेवर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन लोगों ने इस घटना का अनावरण किया है। और इस घटना को अंजाम देने वाले जो दो अभियुक्त थे मुख्य रूप से, उसमें एक अभियुक्त जो अभिषेक पांडे, ये सराय ममरेश का रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी जो की गई वो सूरत से, बड़ोदरा सूरत से की गई 9 मई को, और ट्रांजिट रिमांड पर ला करके और इससे रिकवरी की गई, 6,170 रुपए की रिकवरी की गई, और 13 मई को इसको जेल भेजा गया। इसके बाद जो दूसरा मुख्य अभियुक्त प्रवीण मिश्रा, ये थाना मीरगंज क्षेत्र जनेथू का रहने वाला है और ये काफी शातिर अपराधी है, इसको भी गिरफ्तार बेंगलोर से किया गया 10 मई को, और इसकी निशानदेही पर इसके पास से 6,420 रुपए रिकवर किए गए और लूट के आभूषण भी बरामद किए गए हैं, और इसके पास से एक तमंचा, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया है। घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, और एक अन्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में शामिल था, जिसको प्रकाश में लाया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास की जा रही है, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से घटना का सफल अनावरण हुआ है, और इस घटना में शामिल जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे अभिषेक पांडे और प्रवीण मिश्रा, इन दोनों गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके कब्जे से नकद जो अमाउंट थी वो कुल मिलाकर 12,590 रुपये, सोने